नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से कि जिसके बारे में अगर मैं स्पेसिफिक एक लाइन में एक शब्द बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि वो एक जीरो से हीरो वाली कैटेगरी में आते हैं कि जिन्होंने एक एक बहुत ही बेहतरीन एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भी वो काम करते थे, इससे पहले भी उनके वो कुछ टाइम से जुड़े हुए थे, LIC के साथ काम कर रहे थे, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे थे, बट यस फाइनली दैट मोमेंट हैज कम जिसमें आज उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया और आज वो अपने मुंह से बताने वाले हैं कि कैसे ही हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड बाय डूइंग 100 पॉलिसी इन वन सिंगल डे। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, एक दिन में 107 पॉलिसी करके रिकॉर्ड बनाने वाले हमारे साथ में संकेत जी से मैं आपको मिलाने वाला हूँ। संकेत हमारे बीमा गुरुकुल पार्टिसिपेंट हैं, बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं। एक दिन में 107 पॉलिसी की, जहां पे आज हम देखते हैं कि पूरे पूरे साल में लोग इस चैलेंज को फेस करते हैं कि कहीं ना कहीं 100 पॉलिसी शतकवीर बनने में पूरा साल लग जाता है। कितने सारे ऐसे लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स होते हैं जो 100 पॉलिसी करने के लिए शायद पूरे साल सोचते हैं, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि हम तीन तीन चार चार साल पुरानी एजेंसीज के साथ भी लोगों से बात करते हैं तो बताते हैं कि अभी तक टोटल 100 पॉलिसी नहीं हुई है, बट यस ही हैज डन 100 पॉलिसी इन वन सिंगल डे। तो मिलना चाहेंगे आप लोग उनसे, हम मिलवाते हैं संकेत जी से आपको। संकेत आपका स्वागत है। नमस्ते सर, नमस्ते सभी लोगों को। तो संकेत, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहेंगे, वो ये समझना चाहेंगे कि बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है कि एक दिन में 100 पॉलिसी, एक दिन में 107 पॉलिसी, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड। तो और ये अचानक कैसे हुआ, ये अचानक कैसे मिरेकल क्रिएट हुआ, थोड़ा सा बताएं, एक तो बेस बताएं अपना कि आपने, जैसे कि मैं तो जानता ही हूँ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट के कोर्स के पार्टिसिपेंट हैं, मेंटरशिप के पार्टिसिपेंट हैं, जो अब मेंटरशिप स्टार्ट होने जा रहा है उसमें भी आपने पार्टिसिपेट कर लिया है, तो आप थोड़ा सा अपने शब्दों में बताएं कि कब से एजेंसी है और कैसे ये एकदम से इतना बड़ा बदलाव आया और कैसे ये दिमाग में आया कि 107 पॉलिसी वन डे में सेंचुरियन बनना है, प्लीज। सर मेरी एजेंसी है 2013 से और मैंने कंटिन्यूस एजुकेशन जो है वो अभी बीमा गुरुकुल से स्टार्ट किया। इससे पहले मैं बहुत से ट्रेनिंग्स करता था पर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था और बहुत बार जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो रही थी। अभी बीमा गुरुकुल में आने के बाद जो हमारे अभी तक के 12 सेशन्स हुए सर, तो 12 सेशन्स में जो 12 अलग अलग टॉपिक्स है उसको मैं जैसे ही हमारा सेशन होता है वैसे मैं एक एक वीक इम्प्लीमेंट करते गया, रिकॉर्डिंग एक दो बार देखते गया, मतलब उसमें इजी टू अंडरस्टैंड मुझे हुआ। अभी ये जो मैंने प्रोसेस फॉलो की उस वजह से मुझे हुआ कि मेरा जो फैक्ट फाइंडिंग का जो हमारा सेशन था ना सर, उसे ही मैंने इम्प्लीमेंट किया। फैक्ट फाइंडिंग के एक ही हमारे टॉपिक के वजह से मुझे ये जो 107 पॉलिसीज है वो मिली। एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप पूरा का पूरा 107 पॉलिसी का श्रेय कैसे दे सकते हैं? एक दो 50 पॉलिसी भी समझ आती हैं कि फैक्ट फाइंडिंग की वजह से हो गई, बट इतनी ह्यूज नंबर ऑफ पॉलिसीज कैसे आप, मतलब फैक्ट फाइंडिंग को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आप दे रहे हैं, तो बताएं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। सर मतलब एक अभी जैसे कोविड का जब सिनेरियो स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर, तो उस वक्त 5-6 महीने पूरा लॉकडाउन था और उस वक्त मैंने क्या किया था कि मैंने ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किए थे पॉलिसीज के लिए और मुझे पता था कि उस वक्त लोगों के पास शायद पैसे नहीं होंगे पर वो हमारे फ्यूचर में कस्टमर बन सकते हैं। तो जैसे ही इंक्वायरीज मुझे आती थी तो मैं उनकी सर्विसिंग करता था सर पॉलिसीज की और उसका डेटा मेरे पास था। जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ और हमारा फैक्ट फाइंडिंग का जिस वक्त सेशन हुआ तो मुझे क्लिक हुआ कि उन लोगों को हमें एक बार अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी नंबर्स थे मेरे पास बट हमने कभी उन्हें उस तरीके से अप्रोच नहीं किया था। हमने कभी भी अप्रोच किया था तो वो पॉलिसी के लिए अप्रोच किया था या फिर कोई कॉन्सेप्ट के वजह से हम लोगों ने अप्रोच किया, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग होगी या चाइल्ड एजुकेशन, तो शायद उन्हें उसकी जरूरत नहीं होगी पर फैक्ट फाइंडिंग में पता चलेगा कि जरूरत एक्यूरेट क्या है। तो जो नीड बेस्ड सेलिंग होती है ना सर, उसमें ही ज्यादा बेनिफिट हुआ और लोगों को पता चला कि उनकी आज की तारीख में जरूरत क्या है। मैं बताऊँ उससे ज्यादा बेनिफिशियल ये होगा कि उन्हें खुद समझे कि उन्हें आज की तारीख में क्या जरूरी है, इसी वजह से सर सेलिंग होती है। परफेक्ट परफेक्ट, आपके बात से एक बहुत अच्छी बात निकल के आई कि हम कई बार किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं और सामने से समझाना शुरू कर देते हैं बट जब हम फैक्ट फाइंडिंग की बात करते हैं तो शायद हम उनकी जिंदगी में उतर पाते हैं और एक एक फैक्ट के थ्रू अगर हम जाते हैं तो शायद वो खुद रियलाइज कर पाते हैं कि उन्हें क्या करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम उनको बताएं कि उन्हें क्या करना है। इज इट सो? ये सर, और इसमें और एक मुझे एक इंसिडेंस बताना चाहूंगा अगर आप परमिशन दें सर। तो प्लीज तो सर फैक्ट फाइंडिंग में एक एग्जांपल देता हूँ कि एक क्लाइंट है हमारे, तो उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग की तो उनकी जो प्रायोरिटीज आई वो दो आई थी सर।
एक आया था मंथली इनकम और दूसरा मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम, और दूसरा था लोन लायबिलिटी प्रोटेक्शन। तो मैंने उन्हें यही बताया था कि हम जब कोई भी प्रायोरिटी आपकी होगी, जो फर्स्ट हमें दो चीजों पे काम करना है, आप एकदम ब्लैंक रहना, और मैं भी अभी कुछ डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट कौन सा लेना है, जो सुटेबल होगा वही हम करेंगे, और हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस उसमें एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे सर आपने हमें बताया था, तो उसी वजह से मैंने उनको और डिटेल क्वेश्चंस भेजे, 16 क्वेश्चंस भेजे कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है, मंथली इनकम कितना है, और इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट या फिर आपको अगर लगे कि रिटायर होना है, काम करना है बट पैसों के लिए नहीं करना है, तो आपको कितनी अमाउंट चाहिए। तो उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट बताई थी कि 50,000 पर मंथ की मुझे रिक्वायरमेंट है, और मेरे एक्सपेंसेस जो है मंथली वो है 20,000 रुपीज। तो बाद में हमने जो प्रोडक्ट किया तो इस तरीके से हमने उनमें ये किया कि डाइवर्सिफाई कर दिया, तो गारंटीड चाहिए वो हमें गारंटीड इनकम से ही मिलना चाहिए, जो एक्सपेंसेस है उसको कम नहीं कर सकते, तो उसमें जो गारंटीड इनकम वाले जो प्रोडक्ट्स है वो हम करेंगे, तो उसमें हमारा जो जीवन उमंग है वो सबसे बेस्ट प्लान है सर इंडस्ट्री का, तो वो हमने वहाँ पे सेल किया, और बाकी के इसके लिए मिक्स एंड मैच, तो यूलिप्स है या फिर SIPs है वो हम उन्हें उस तरीके से बता रहे हैं। अभी इसमें जो 20,000 रुपीज का जो सर पार्ट था ना, तो उसमें एज थी प्रोस्पेक्ट की 45 ईयर, और उन्हें 15 साल बाद 20,000 रुपीज चाहिए थे। अभी जीवन उमंग 30 लाख रुपीज सम एश्योर्ड के हिसाब से 2,40,000 रुपीज हो रहे थे, 20,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। तो वो हमने प्रोडक्ट उन्हें इंट्रोड्यूस किया, 15 इयर्स के लिए 20,000 रुपीज पे करने थे, 20,000 के लिए 20 इयर्स के लिए 15,000 पे करने थे, और मैंने कभी मंथली सेल नहीं किया था सर, मंथली लाइज तो मैंने कभी किया नहीं था, और मैं बहुत डर रहा था कि मतलब कैसे उन्हें करूँ, तो मैंने एक प्रेजेंटेशन ही बना के लिखे गया सर उन्हें, मैंने ये बताया मतलब आप बताओ मैडम कि आपको कौन सा सूटेबल, उन्होंने 20,000 वाला ऑप्शन दिया सर, जो बड़ा वाला ऑप्शन था। अच्छा, तो एक सबसे बड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। आई गॉट इट। तो मतलब आप खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो 20,000 वाला लेंगे, और वो उन्होंने 20,000 का ले लिया। तो एक ही पॉलिसी में 2,40,000 रुपीज एक भी नहीं हुआ, तो और एक ही टॉपिक और एक ही क्लाइंट, तो मतलब मैं फैक्ट फाइंडिंग ये जो टॉपिक है ना सर, मैं उसे बहुत वैल्यू दे रहे हैं, मतलब अब वैल्यू भी दे रहा हूँ, और सर मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे बहुत मिरेकल्स हो सकते हैं सर लाइफ में। डेफिनेटली संकेत, एक्चुअल में क्या होता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यही आप तो अब 12 सेशन आपने खुद बोल दिया, आप 12 अभी तो 14 सेशन और बाकी हैं, जिसमें अभी हम ग्रीवेंसेस समझेंगे, हम बहुत सारी चीजें HUF समझेंगे, डिटेल में बहुत अंदर तक चीजों में जाएंगे, बट अगर हम इन 12 सेशन की भी बात करें, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दो इंपॉर्टेंट चीज, वन फैक्ट फाइंडिंग, सेकेंड लीगल एस्पेक्ट, थर्ड एक जो हमने क्वालिटी चेक बताया था, क्वालिटी चेक की वजह से भी सेम हम ये देख रहे हैं, जो आपने बात बोली ना कि प्रीवियस पॉलिसीज, फैक्ट फाइंडिंग से क्वालिटी चेक अगर हम क्रिएट करते हैं, तो उससे भी लोगों की लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और बहुत सारे लोग अच्छा कर पा रहे हैं, मैंने ये देखा है। यस सर। सो आप ये बताएं संकेत के, मतलब थोड़ा अपनी एजेंसी के बारे में बताएं कि आप कहां से, एक तो मतलब क्योंकि हमने ये सवाल अभी किया ही नहीं, हम बात हमारी शुरू हो गई, कौन सी आप ब्रांच से हैं, कहां से आप बिलोंग करते हैं, ये हमारे जितने भी, क्योंकि LIC एजेंट हमारी कम्युनिटी है, कि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको देखेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि संकेत कहां से हैं, और संकेत उसमें ये भी बताएं कि आप स्पेसिफिकली कहां से हैं, किस तरीके से, कहां किस एरिया में आप काम करते हैं। सर मैं बेसिकली मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में ही हमारे यहाँ पे नज़दीकी पलावा सिटी है, वहाँ पे मैं रहता हूँ, okay. और मेरी जो ब्रांच है वो ब्रांच है 921 जो मुंबई डिवीजन 1 में आती है सर, okay. और मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है मिस्टर किरण पडवा सर, तो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर सर ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया इसके लिए, और बहुत टेक्निकल जो चीज़ें थी, मतलब जो पॉलिसी लॉगिन के लिए जो था ना सर, बहुत हेल्प मेरे CM मैडम और हमारे DM सर को भी, मैं बहुत बड़े धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम अपनी लेवल पे डिफरेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बट वो सारी पॉलिसी अगर संकेत ले भी आते, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मतलब ऑल ऑफ यू सर, जो भी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, BM हैं, SDM हैं, मैं पूरी के पूरे जो मैनेजर मैम हैं उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कि आप सब लीडर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद के संकेत और हम लोग इस मुहिम के ऊपर हैं, अभी और भी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, आप लोगों के साथ के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, आगे भी पॉलिसी इश्यूएंस से रिलेटेड, आगे भी चीजों से रिलेटेड आपके सपोर्ट्स की हमारे को अपेक्षा है, कि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, सो थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से भी उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस सर, मतलब हम तो फील्ड पे होते हैं पर बहुत बार काम तो सर ऑफिस में ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, 100% 100%। अच्छा, सेकेंडली ये कब हुआ, ये 107 पॉलिसी का जो रिकॉर्ड बना, ये आप बताएं कि कैसे एक दिन में ये कैसे क्रिएट हुआ।
सर ये जो प्रोसेस थी सेलिंग की, मतलब मैंने ये जो पॉलिसीज थी वो 3 दिन में सेल की, 3 दिन में पूरे 107 पॉलिसीज सेल हुई, डॉक्यूमेंट सब प्रॉपर हुआ, और 22 मार्च 2021 को हमने ये पॉलिसीज की सर। परफेक्ट, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी 22 मार्च कुछ दिन पहले 22 मार्च 2021 को एक दिन में पॉलिसीज हुई 107 मुंबई की ब्रांच में, और पलावा सिटी का नाम संकेत ने लिया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पलावा सिटी एक बहुत बेहतरीन जगह है, जहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो लोधास की है ये। Yes, sir, yes, है ना? तो yes, मैं पलावा सिटी के भी बहुत सारे हमारे जितने भी लोग होंगे, मैं उन लोगों को भी बिल्कुल यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपके बीच में, आपकी पलावा सिटी में एक ऐसे कंसल्टेंट भी हैं जो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं बीमा गुरुकुल से, जो प्रोफेशनली बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में, अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं और आपकी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आप जितने भी लोग पलावा सिटी के हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके ही प्रॉक्सिमिटी में एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट आपके बीच में ही है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ संकेत ये भी बताएं कि अगर ये जो अभी इसके बाद के जो टारगेट हैं, क्योंकि अभी 4 तारीख से आप मेंटरशिप प्रोग्राम में भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो अभी बताइए कि जो प्लान्स हमने बनाए हैं, जो चीजें हम करने वाले हैं, वो प्लीज बताएं। सर अभी नेक्स्ट स्टेप, अभी काम स्टार्ट किया है मैंने, 1 day 1 login 1 live, ऐसे 100 दिनों में 100 lives में लॉगिन करूंगा 15th August तक सर। That's great. So, दोस्तों मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, संकेत का डिसीजन है, संकेत की कमिटमेंट है, डिक्लेरेशन है कि 1 मई से स्पेसिफिकली स्टार्ट करके 15 अगस्त तक 100 दिन बनते हैं, और 1 मई से 15 अगस्त तक ही विल डू एवरी डे 1 day 1 life 1 policy, यानी कि 100 दिन में 100 life 100 policy करेंगे वो 1 by 1, एक एक दिन में एक एक नंबर लगता चलेगा और ये क्रिएट होगा, वो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। उसके बाद अभी 1 day centurion बना था, अब ये बन रहा है, और तीसरी भी डिक्लेरेशन दो, मैं चाहता हूँ ये डिक्लेरेशन आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर वो प्रेशर भी बने कि बाकी सब लोगों के बीच में दोबारा आना है और परफॉर्म करके आना है। बोलो संकेत। सर 1 September को 1 day मिल जाएगी। Yes. So that is going to, you know, make a kind of, you know, impact in the market. के एक दिन में, आज declare कर रहे हैं कि एक दिन में, 1 September, एक दिन में संकेत की एजेंसी में 1 day MDRT होगा इन 100 policies के अलावा। वो जो 100 policy हो गई वो गई, अब जो 100 होंगी वो उसके अलावा 1 day MDRT is going to बी। तो जैसे प्रभास हमारे साथ बनने थे, और आप लोगों को मैं बताता हूँ बहुत जल्दी अभी अगले 2-3 दिन में हम उनके साथ भी आप लोगों को, उनको भी आपके लोगों के बीच में लेके आएंगे। हमने कमिटमेंट दी थी कि CUT कंप्लीट होते ही, तो प्रभास की भी CUT कंप्लीट हो गई है पूरे 3 महीने में, फास्ट ट्रैक यानी जनवरी फरवरी मार्च, जो हमारे मेंटरशिप पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने 1 day MDRT 1 January को की थी, उन्होंने अब जनवरी फरवरी मार्च में CUT कर ली है और CUT कंप्लीट हो गई है। अभी जैसी ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है 1-2 दिन में, हम आप लोगों के साथ उनको भी लेके आएंगे और वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने वो CUT अचीव की। रेगुलर बेस पे हम कनेक्टेड हैं और जुड़े हुए हैं। तो संकेत बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपने इस तरीके से काम किया है, इस तरीके से आप रेगुलर कंटिन्यूअस एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, आप जो चीजें आपको बताई जा रही है उसको सीरियसली लेके इम्प्लीमेंट करने के फेज में हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक एक प्रोजेक्ट को आप नोट कर रहे हैं, सारी चीजें बना रहे हैं। आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज दें कि कैसे बाकी सब लोग भी, जैसे अभी आपने एक आइडिया तो दिया, जैसे सोशल मीडिया का जो हमारा जो प्रोजेक्ट चलता है फेसबुक प्रमोशन का, वो आपने बोला सोशल मीडिया का भी पूरी तरीके से कवर अपना बीमा ग्रुप और इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स में होता है, बट मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, एजेंट्स देख रहे हैं, उन सब लोगों को भी एक मैसेज जाए कि कैसे वो भी अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। आपकी तरफ से कोई भी एक जिसे कहते हैं सूत्र, एक आइडिया, एक स्ट्रेटजी प्लीज बताएं। सर मैं इसी फॉर्मूले पे काम करता हूँ, पहले तो रिलेशन, रिलेशन के बाद कोई भी काम होगा ना तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। मैं कभी भी फर्स्ट मीटिंग में पॉलिसी के बारे में बात नहीं करता सर, मैं 6-6 महीने सिर्फ रिलेशन पे ही काम करता हूँ सर। और मतलब अभी जो नेक्स्ट भी क्लाइंट्स हमारे होंगे उनसे मैं 6 महीने पहले से बात कर रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है सर, पैसों की बात है, और कोई भी बंदा पैसों की तभी हमसे ये करेगा, डीलिंग करेगा, जब उन्हें एज ए संकेत बने या फिर कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर पर्सनली जानता हो, उन्हें भी ये जानना हक है कि मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ वो कैसे है। ये फर्स्ट पहली बात सर। और दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग से बेटर होगा कि फैक्ट फाइंडिंग जो सामने वाले को चाहिए, कस्टमर को प्रेफरेंस अगर हम देंगे ना सर तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी, स्टार्ट विद द वाई, साइमन साइनिक की बुक है सर, वाई करेंगे ना सर, ब्यूटीफुल,
यस सर, वाई से स्टार्ट होगी ना सर, तो पॉलिसी लैप्स नहीं होगी कभी, बार बार कॉल नहीं आएंगे कि मैंने ये पॉलिसी क्यों ली थी, क्योंकि कस्टमर को भी पता होगा कि उन्होंने क्यों किया है वो. और इंटरेक्टिव सेशन अगर होगा, मीटिंग्स, इन्फॉर्मेशन लेके, ये इसमें ये बेनिफिट, ये बेनिफिट, ये बेनिफिट है, उससे बेटर अगर इंटरेक्टिव होगा, जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे चलेगा, पर अगर बात होगी, सामने वाला ओपन अप होगा, तो ही हमारा सेल बहुत बढ़िया हो सकता है, और दो या तीन बार रिपीट रिपीट सेल सर हो सकता है. परफेक्ट परफेक्ट, नो डाउट अबाउट इट. और मैं बहुत खुश हूँ संकेत के स्पेसिफिकली आप, यू आर अ यंगस्टर, और जब यंगस्टर्स इस प्रोफेशन में फुल टाइम आके कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो एक हमारा मिशन है बीमा गुरुकुल का, के लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना, एजेंट्स के थ्रू आपके कितने सारे क्लाइंट्स होंगे उनकी लाइफ में भी इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करना, ऐसा लगता है कि ना वो मिशन वर्थलेस नहीं है, उसकी बहुत बड़ी वर्थ है, और कहीं ना कहीं वो लोगों की जिंदगी में कुछ तो कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं क्रिएट कर पा रहा है. सर हमें भी मोटिवेशन आपको ही देख के मिलता है कि आप इतने यंग हो, डायनामिक हो, आपका 1% भी कर लिया तो सर बहुत बढ़िया. अरे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मेरा 1%, मैं चाहता हूँ मेरे से कहीं ज्यादा आप लोग, मैंने जो रिकॉर्ड्स बनाए उसके बाद आप बहुत, यू शुड शाइन लाइक अ स्टार. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हजारों लोग हैं, जो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनमें हैं, मैं हमेशा कहीं ना कहीं यही फीलिंग रखता हूं कि संकेत आप लोगों का नाम चमकना चाहिए. मेरी खुशी हमेशा याद रखना, एक टीचर की खुशी ना उसके स्टूडेंट की ग्रोथ में है. एक रियल मेंटर जो होगा ना, वो हमेशा खुश होगा कि उसका जो स्टूडेंट है, उसका जो, एक तरह से मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, कई सारे लोग मेरे से बड़े होते हैं, कई सारे छोटे होते हैं, बट मेरे लिए कहीं ना कहीं मैं परिवार का मुखिया हूँ, तो एक बच्चा मैं वर्ड यूज करता हूँ, तो एक टीचर को हमेशा खुशी होती है कि उसका बच्चा जिंदगी में आगे बढ़े. तो एक पेरेंट को जितनी खुशी होती है ना अपने बच्चे के सक्सेसफुल होने पर, उतनी एक टीचर को होती है. तो आई एम रियली हैप्पी, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं, और मैं बाकी सारे लोगों को भी आपकी तरफ से एक कमिटमेंट देता हूं कि 1 मई से लेकर हम अगस्त तक 1 day 1 life 1 policy इस तरीके से 100 days 100 life 100 policies करेंगे, और साथ ही साथ 1 day MDRT दो रिकॉर्ड्स बना के आप लोगों के बीच में फिर से संकेत को लेके आएंगे. संकेत, पलावा सिटी को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि पलावा सिटी, He is the man. You should approach him. और बहुत आप सक्सेस अपनी हासिल करें, और आपके पूरे जो आपकी टीम, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके सीनियर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. सर जाते जाते मुझे भी एक सिर्फ बात कहनी है कि जितने भी एडवाइजर्स हैं, तो मुझे लगता है कि जो बीमा गुरुकुल जो ट्रेनिंग है वो बहुत प्रैक्टिकल है सर, और इजी टू इम्प्लीमेंट है. जैसे मुझे इसका फायदा हुआ है, वैसे हमारी कम्युनिटी के और बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया एडवाइजर्स हैं जो कहीं पर स्टक हो रहे हैं, जिन्हें कहीं कहीं मतलब एक्टिविटी चल रही है पर कहीं पे पता नहीं चला कि क्या गलत होगा, यहाँ पे सब क्वेश्चंस का आंसर है. और उसके बाद मेंटरशिप, तो अभी मैं भी खुद एक्सपीरियंस करूंगा कि कितना अच्छा होगा. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर इसके लिए. तो सर थैंक यू सो मच. मतलब या 12 सेशंस में अगर इतना हो रहा है, तो 26 तक जाते जाते तो फिर कुछ अलग ही हो जाएगा सर. God bless you, dear. God bless you. I'm always with you, or we'll create record, we'll make records, and after that we'll again get back to it. All the best. Thank you, sir. Thank you so much to everyone. God bless you. All the best.